दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन टुडेज़ वीडियो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेडिंग गेस्ट मेकअप ट्यूटोरियल। और ये जो आप लुक देख रहे हैं बहुत ही प्रिटी लुक है, स्पेशली अगर आप ब्लू कलर का लहंगा पहन रहे हैं या कोई भी ब्लू कलर की ड्रेस पहन रहे हैं तो उसके साथ ये लुक बहुत ही प्यारा लगेगा। तो चलिए, अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से मैंने ये लुक क्रिएट किया है तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल। तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो रही है तो इसीलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ, ये गुड वाइब्स का है। दिस इज़ दी ब्राइटनिंग फेस क्रीम जो कि कोकोनट में है। कोकोनट इज़ रियली गुड, स्पेशली अगर आपकी सुपर डिहाइड्रेटेड स्किन है या अगर आप ड्राई स्किन है तो आपकी स्किन को ये नरिश कर देगा। तो इसीलिए मैं आपको ये प्रोडक्ट सजेस्ट करूँगी। एंड दिस इज़ जस्ट फॉर ₹235 गाइज। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छे से इसने मेरी स्किन को सॉफ्ट बना दिया एंड लिटरली बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी इसको अप्लाई करते ही। नाउ फॉर द फाउंडेशन, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वी आई जॉन वुमेन फाउंडेशन एंड ओ माई गॉड, दिस इज जस्ट फॉर ₹50 एंड बहुत ही लाइट वेट फाउंडेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सुनीसा के डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इस प्रोडक्ट को अप्लाई कर रही हूँ एंड बहुत लाइट वेट है, जैसे सुनीसा फाउंडेशन है उसी तरह का है। और करेंटली मुझे ये फाउंडेशन बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि आपको पता ही है, आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा, मैं ज़्यादातर अपना बेस बहुत लाइट रखती हूँ। वो भी डिपेंड करता है कि किस तरह का मेकअप आप कैरी करना चाहते हैं और किस सीज़न में। लाइक अभी समर सीज़न है तो मैं ये यू नो लाइट वेट फाउंडेशंस ही आपको सजेस्ट करूँगी। सो इसका वन स्वाइप ही इनफ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं दो लेयर अप्लाई नहीं कर रही हूँ या तीन लेयर अप्लाई नहीं कर रही हूँ। मोस्टली पीपल डू कि लाइक दो तीन लेयर्स अप्लाई कर देते हैं फाउंडेशन का, बट मुझे ये वन लेयर में ही बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही ड्यूई लुक दे रहा था। एंड येस, ₹50 में यू आर गेटिंग सच अ गुड फाउंडेशन, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड कर। आई थिंक दिस इज़ द आइवरी शेड, आई एम नॉट श्योर, बट या आइवरी शेड है ये। लाइक सुनीसा तो थोड़ा वाइट था बट दिस वन इज़ लाइक हल्का सा आइवरी में। देन फॉर द कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ NYB लिक्विड कंसीलर है ये एंड दिस इज़ इन द शेड मिल्क चॉकलेट प्रेट्सल। करेंटली मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये कंसीलर, सुपर डुपर अफोर्डेबल है। इसका लिंक मैं आपके लिए प्रोवाइड करूँगी, आप डेफिनेटली ये कंसीलर ट्राई करना अगर आप लो ऑन बजट है। बहुत अच्छे से आपके डार्क सर्कल्स को हाइड कर देगा, हाईलाइट इफेक्ट देगा एंड बहुत ही कंफर्टेबल है ऑन द स्किन। एंड ऑल्सो दोस्तों, अभी purple.com में चल रही है ऑफर, 2 जुलाई ऑफर है NYB लिपस्टिक्स में, बाय वन एंड गेट वन फ्री, कूपन कोड यूज कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो 4 जुलाई को आपको मिलेगा एक और ऑफर जो कि है बाय टू गेट वन फ्री VLCC प्रोडक्ट्स में। एंड 6 जुलाई को है आपके लैक्मे में फ्लैट 50% ऑफ ऑन ऑल लिपस्टिक्स। सो आप इनकी वेबसाइट का लिंक जरूर चेकआउट करना मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यहाँ पे मैं उसको सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का बनाना पाउडर। ये लग्जरी बेकिंग पाउडर है, एक्चुअली इसको बेकिंग कहेंगे, नॉट लाइक सेटिंग एंड एवरीथिंग, बट येस बेकिंग इज़ ऑल्सो लाइक यू नो सेटिंग योर कंसीलर फाउंडेशंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूजुअल एरियाज पे मैं बेक कर रही हूँ, लाइक आईलिट पे, अंडरनीथ आईज एंड मेरे बिल्कुल चीक बोन्स पे। सो चीक बोन्स पे इसलिए ताकि जब मैं अप्लाई करूँ कोई भी क्रीम कॉन्टर तो वो ईजिली ब्लेंड हो एंड फैले ना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्रीम कॉन्टर यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम द पैलेट पर्पल का, और ये कोवर्ट ऑपरेशन गार्डियन कंसीलर पैलेट है सिटी एजेंट शेड में। इसका कॉन्टर मुझे बहुत पसंद है, ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है ये, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ। एंड बहुत ही अमेजिंग कॉन्टर है, बहुत अच्छे से आपके फेस को ये स्कल्प्ट कर देगा एंड मेरे फेस को भी बहुत अच्छे से स्कल्प्ट कर देता है, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। वैसे मेरा चबी फेस है बट फेस होने के बावजूद भी यू नो मैं इसको अच्छे से एक यू नो स्ट्रक्चर दे देती हूँ अपने फेस को। आपने देखा होगा आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर लुक में कितना ज़्यादा देर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द कॉन्टोरिंग स्टफ। ओके, सो यहाँ पे मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही अपने क्रीम कॉन्टर को ब्लेंड करूंगी। आज के मेकअप में आप देखेंगे तो मैंने फोरहेड पे भी अप्लाई किया है, सो फोरहेड पे मैं इसलिए अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपका बहुत ही ब्रॉड फोरहेड है तो आप क्रीम कॉन्टूर ज़रूर अप्लाई कीजिए, उसके हेल्प से ना आपके यू नो फोरहेड को थोड़ा सा ये छोटा बना देगा, लाइक एक स्ट्रक्चर दे देगा। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्टे क्वर्की का न्यू लॉन्च्ड पैलेट है दोस्तों, ये आई शेडो पैलेट, इट्स इन द शेड सल्ट्री आईज, और इसमें लिखा हुआ सेक्सी आई। सो येस, इट्स अ ब्यूटिफुल पैलेट जो कि लाइक बहुत ही सेक्सी आई लुक क्रिएट करेगा। एंड फॉर्मूला इसका बहुत अच्छा लगा मुझे। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने मीडियम ब्राउन शेड पिक किया है फॉर माई ट्रांजिशन शेड, और मैंने इसे अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई किया है, अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ।
गाइस मेरी क्रीज लाइन नज़र नहीं आती है, सो इसलिए मुझे इस तरह से अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं नीचे भी अप्लाई कर रही हूँ मेरे लोअर लैश लाइन पे, हल्का सा मैं इसे यू नो स्मज कर दूंगी। तो नाउ आज मैं स्मोकी आई लुक कर रही हूँ, बहुत ही प्यारा ग्लिटरी स्मोकी लुक है ये, मुझे ये ब्लू लहंगा के साथ परफेक्ट लग रहा है ये लुक, सो इसलिए आई थॉट टू क्रिएट एंड शेयर दिस लुक विद यू गाइज। सो ये पर्पल का वी जेल ओवर ड्रामा जेल आईलाइनर है ये ब्लैक में, सो इसको मैंने फ्लैट ब्रश की हेल्प से यहाँ पे अप्लाई किया है। सो अगर आपको चाहिए बहुत ही ज़्यादा हाईली पिगमेंटेड वाला आई मेकअप हो, बेस जो हो आपके आई मेकअप का काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो, या अगर आप ब्राइडल को दे रहे हैं इस तरह का लुक, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आप कोई भी जेल आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं फॉर दी स्मोकी बेस, ठीक है। इसके बाद मैंने आई शैडो पैलेट में से ही लिया है ब्लैक शेड, जो कि हल्का सा शिमरी में है। इसमें आपको कॉपरिश एंड ब्रॉन्जी काइंड ऑफ शिमर्स इसमें इंक्लूड मिलेंगे, सो उसको मैंने अप्लाई कर दिया उसी के ऊपर। सो वो एक तरह से बेस को सेट कर देता है अगर आप पाउडर आई शेडो अप्लाई कर देंगे, एंड ऑल्सो सुपर डुपर पिगमेंटेड बना देता है। सो यहाँ पे मैं ग्लू यूज़ कर रही हूँ NYX का, इट्स अ ग्लू प्राइमर। सो यहाँ पे मैं अब शिमर ग्लिटर्स अप्लाई करूँगी, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा मैट फिनिशिंग आई लुक चाहिए, अगर आपको हल्का सा ग्लिटरी शिमरी लुक चाहिए तो आप ग्लिटर पॉप कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये KOLK शिमर ग्लिटर है, एंड दिस इज़ इन द शेड एंशंट पर्पल करके, बहुत ही प्यारा ग्लिटर है ये। इसमें एक्चुअली 3-4 कलर्स का कॉम्बिनेशन है, इसमें ग्रीन है, गोल्डन है, ब्रॉन्ज है, कॉपर है, इस तरह का शेड है ये। सो इसको मैंने पॉप कर दिया मेरे पूरे एंटायर लिड पे, कवरिंग माई जो बेस था स्मोकी बेस, ठीक है। सो यहाँ पे मैं मस्कारा पॉप कर रही हूँ, लॉरियल का वॉल्यूमिनस वाटरप्रूफ पैराडाइज मस्कारा, दिस इज़ करेंटली माई गो टू प्रोडक्ट। जी हाँ, मुझे ये प्रोडक्ट बहुत 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 पसंद आया है, तो मैं आपको भी रेकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर इस प्रोडक्ट को ट्राई करें, बहुत अच्छे से आपके यू नो लैशेस को ये कर्ल वॉल्यूम एंड पूरे लैशेस को ये कवर करते हुए फिल कर देता है। सो फॉर दी आईलाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ बहुत ही अफोर्डेबल NYBE आईलाइनर, ये स्काई लाइनर करके है, अगर आप इनकी वेबसाइट पे देखेंगे purple.com में, तो आपको ये स्काई लाइनर के नाम से वहाँ पे मिल जाएगा, एंड दिस इज़ इन द शेड ब्लैक में, और ये आई थिंक अराउंड 70-80 कुछ का या उससे भी सस्ता होगा, और लाइक अकॉर्डिंग टू द प्राइस बहुत वेल डिजर्विंग है ये लिक्विड लाइनर। एंड यहाँ पे मैं लैशेस पॉप कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दी हुडा ब्यूटी का जो ग्लू है, उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे लैशेस पॉप कर दिए हैं। सो लैशेस जब आप अप्लाई कर लोगे ना, तो आपका इस तरह का ग्लिटरी शिमरी आई लुक और ज़्यादा पॉप आउट होकर आए। आई एम वेयरिंग अ ब्लू लहंगा, सो अगर आपको भी कुछ इस तरह का, अगर आप ब्लू लहंगा पहन रहे हैं फॉर एनी पार्टी ओकेजन, तो आप इस तरह का लुक कैरी कर सकते हैं, विच विल रॉक। एंड यहाँ पे मैं ब्राउज के लिए यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का, दिस इज़ दी शेप माई ब्राउज 3 ब्राउ पाउडर, प्लस इसमें एक वैक्स क्रीम है, O1 करके शेड है ये। इसमें आपको बहुत ही प्यारे प्यारे शेड्स मिलेंगे टू फिल योर ब्राउज, जो मेरा फेवरेट है वो तो ऑब्वियसली ब्लैक एंड ब्राउन है। इसमें ग्रे भी है, बट ग्रे मैं इतना यूज़ नहीं करती हूँ, आई एम इन लव विद द ब्लैक शेड, इसका ब्लैक शेड बहुत अच्छा है। सो नाउ फॉर द ब्लश मैं यूज़ कर रही हूँ अगेन न्यू लॉन्च है ये स्टेक वर्की का पैलेट, दिस इज द डबल डेट ब्लश डुओ ब्रंच रेडी 2 में। ओ माई गॉड, दिस इज जस्ट माई फेवरेट ब्लश ऑफ ऑल टाइम, आई मीन लाइक सीरियसली बहुत ही प्यारा ब्लश है दोस्तों। इसमें दो शेड्स हैं, दोनों को मैं मिक्स करके अप्लाई करती हूँ ना, तो इतना ब्यूटिफुल इफेक्ट देता है ये एज अ ब्लश, एंड ऑल्सो हाईली पिगमेंटेड है, प्लस अगर आप इसको लेस क्वान्टिटी में अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। You know, you gonna fall in love with this blush, I'm sure. क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. So yes, मेरी पसंद आपको पसंद आती नहीं आती पता नहीं. So यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ हाईलाइटर के लिए ये Maybelline का मास्टर होलोग्राफिक प्रिज्मेटिक हाईलाइटर इल्यूमिनेटर ये है, और ये है O50 में, बहुत ही प्यारा होलोग्राफिक में है ये। इसमें पर्पल ब्लू इस तरह के हैं, सिल्वर, ठीक है। तो ये मैंने पॉप कर दिया मेरे हाई पॉइंट्स पे, स्पेशली जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हाई पॉइंट्स ऑफ माई चीक्स, फोरहेड,
चिन पे, नोज पे। नोज पे मैंने थोड़ा सा पाउडर अप्लाई कर रखा है। मैंने ये जो मीडियम ब्राउन शेड है ना, ये स्टेक वो की पैलेट में से, वही मैंने अप्लाई किया है टू कॉन्टोर माई नोज। ठीक है, तो आप आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको नोज कॉन्टोरिंग करना है या लिप्स कॉन्टोरिंग करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्यूपिड्स बो पे भी थोड़ा सा अप्लाई कर दिया है, ताकि जो क्यूपिड बो है वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करे विद माई यू नो एंटायर लुक विद द लिपस्टिक। एंड टियर डक्ट पे अप्लाई कर रही हूँ यही शेड। सो फॉर द लिपस्टिक मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ये न्यू लॉन्च्ड है एनवाई बे में, एंड ये है स्काईलाइन किसिंग लिपस्टिक पेंसिल। इतना छोटू सा है एंड ऑब्वियसली आप इसे इजिली कैरी कर सकते हैं अपने बैग में, जो कि लाइक बहुत ही अच्छी बात है। यू नो हम लोग लिपस्टिक्स, बड़ी बड़ी लिपस्टिक कैरी नहीं कर सकते, स्पेशली जो लिप क्रेयॉन्स होते हैं। तो आप छोटू सा ले लिया कहीं भी, जैसे भी अगर आप मूवी वूवी देखने जा रहे हैं, फट से निकाला, फट से अप्लाई कर लिया। इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ डेट, फट से निकाला, फट से अप्लाई कर लिया, है ना। तो बहुत प्यारा लिपस्टिक है ये, एंड बहुत ही ब्यूटिफुल शेड है। पार्क एवेन्यू स्काईलाइन किसिंग 15 करके है ये शेड, और आप देख सकते हैं इट्स अ न्यूड पिंक शेड, मैट में है, बट इसका जो फॉर्मूला है इट्स रियली क्रीमी। इसके बाद मैंने लिया है ये NYX शक्ति लिक्विड लिपस्टिक, और ये है फैफरी स्टाइल 12 में। ऑल टाइम फेवरेट शेड है ये। इट्स अगेन ब्यूटीफुल न्यूड पीची पिंक शेड, और इसको मैंने लिप क्रेयॉन के ऊपर पॉप कर दिया है। वेल ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस तरह का मुझे अच्छा लगता है, प्लस आपकी जो लिपस्टिक होगी ना वो भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। कैसा लगा दोस्तों आपको आज का ये लुक? अगर आपको ये लुक पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। और मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।